जिनके कहने पर आज मैं यहां आया हूं, मेरे अनुज यशस्वी नेता, सुयोग्य पुत्र, केवल राजनीतिक नहीं समाज सेवी भाई संजय सत्येंद्र पाठक जी, हमारी आदरणीय माता जी श्रीमती निर्मला पाठक जी, यहाँ उपस्थित हमारे पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष भाई विनोद जी, पूर्व विधायक बहन अलका जी, डॉक्टर जामदास जी, सुनील जी, श्रीवास्तव जी, अलग अलग शहरों से पधारे हुए प्रमुख चिकित्सकगण, पाठक परिवार के सभी सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार। सबसे पहले मैं कर्मयोगी स्वर्गीय सत्येंद्र पाठक जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज उनका जन्मदिन है। जीवन वास्तव में कैसा होना चाहिए, कटनी जानती है, जिला जानता है, आसपास के जिले भी जानते हैं। ये पाठक जी ने धन अर्जित किया, लेकिन उस अर्जित धन को पुण्य के कामों में भी लगा दिया। तुलसीदास जी ने कहा है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अदमाई। दूसरों के भले से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे के भले का काम वो मंत्री रहते हुए अपने धन से करते रहे। जिस तरह अभी माता जी बता रही थी कि कन्याओं की शादी का काम, अभी मेरे भी दिल का काम है। मैंने जब से होश संभाला तो कन्याओं की शादी करना शुरू, लेकिन हजारों कन्याओं की शादी, गरीबों का इलाज, लोगों की मदद करना, वास्तव में जीना तो उसी का साथ। कई बार तकलीफें होती कि थोड़े जल्दी चले गए। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए आस्ता कहते कहते। अभी जरूरत और थी, लेकिन संजय एक बात में आज तुमसे कह रहा हूं, आज वो यहां भी स्वर्ग में है, वहां से बैठे बैठे ये कह रहे हैं कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है। देखिए, मेरे बेटे के मन में यह भाव जागृत हो रहा कि अपने पिता की स्मृति को अमर बना दूं, ऐसे काम से जो दूसरों को जीवन दे दे। अब अस्पताल तो दूसरों को ही जिंदगी देता है, बेहतर इलाज तो जिंदगी मिलती है, तो ये जीवन देने का काम। सचमुच में तुम उनके बताए पथ पर चल के उनके नाम को भी गर्व से आगे बढ़ा रहे हो, और खुद भी एक बड़ी लकीर खींच के लोगों की सेवा के काम में लगे। मैं इस कार्यक्रम में इसीलिए आया, ये पिताजी को हम प्रणाम भी करेंगे और संजय का अभिनंदन भी करेंगे। छोटा मोटा काम कोई भी कर देता है, लेकिन अस्पताल का पूरा भवन बना देना, ये सचमुच में बहुत बड़ा काम है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, ये जमाने के लिए जीनेगा। और इसलिए मैं आपका आज मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और बाबूजी तो आज भी है, शरीर तो नाशवान नहीं रहता, लेकिन अपन तो जिस संस्कृति को मानने वाले हैं, श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि शरीर क्षणभंगुर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। नैनम छिंदती शस्त्राणि, नैनम बहती पापका,
ना चेत क्रेदंता को ना सोचती मारता, उसे शस्त्र नहीं काट सकता, उसे आग नहीं जला सकता, उसे पानी पीला नहीं कर सकता, उसे हवा सुखा नहीं सकती। अजर अमर अविनाशी शाश्वत सनातन चिरंतन और सचित आनंद यानी सचिदानंद, यह है वास्तविक स्वरूप उसका। और इसके इस रूप